कलरफुल स्टॉक लाया हूं, एक्सो नोवेल इंडिया लिमिटेड, और सरप्राइजिंगली ये कंपनी 10,000 करोड़ की मार्केट कैप के नीचे है और आज 10,000 करोड़ के आसपास एग्जैक्टली उससे ऊपर ही होगी। और बहुत सरप्राइजिंग ये लगता है कि एक वर्ल्ड की, मतलब एक अच्छी खासी एमएनसी, वन ऑफ द लार्जेस्ट कोटिंग्स कंपनी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट है, नीदरलैंड्स बेस्ड और उनकी सब्सिडियरी, और पहले हम याद है आईसीआई इंपीरियल कोटिंग इंडस्ट्रीज, वो कंपनी से नाम इसका चेंज हुआ और कंपनी अब अपने लाइफ टाइम हाइज करीब 2500 के लगभग उसके आसपास पहुंचने का दमखम रखती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पिछले 5-6 क्वार्टर से कंपनी बहुत अच्छा मार्केट शेयर गेन कर रही है एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, और रिजल्ट्स भी बेहतर आ रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ भी उनसे बेहतर आ रहे हैं। देखिए एशियन पेंट्स तो 17 राज पूरे इंडिया में अगर पेंट्स इंडस्ट्री में रहा है तो एशियन पेंट्स का रहा, उसमें कोई दो राय नहीं है, और गजब के पी मल्टीपल्स पे ट्रेड किया हमेशा से एशियन पेंट्स, वो करेक्ट होने के बाद भी बेहतर के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है। बर्जर पेंट्स जो है 64 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है और ये स्टॉक 31 के पी मल्टीपल पे है। ठीक है, मार्केट्स देखिए बहुत सेंसिबल और सबसे मतलब भाव भगवान होता है, और रीजन यही है कि वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और जो मार्केट में उनकी लीडरशिप और स्ट्रेंथ है वो एक अलग टाइप की है। बट यहाँ पे अब एक्सो नोवेल भी कम नहीं है, मुझे लगता है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में 5-6 क्वार्टर्स में बहुत बढ़िया ट्रैक्शन दिखा कंपनी के ओवरऑल एक्टिविटी में, ओवरऑल मार्केट्स में, डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यही एक रीजन है कि मैं इस बार इस टाइम पे लाया हूं। और इत्तेफाक ये है आज होली का भी त्योहार के लिए होली पिक भी देनी थी, तो मेरी ये जेम होली जेम पिक है और पूरे साल भर में मुझे लगता बहुत अच्छा करेगी। और इसका पी मल्टीपल जैसा कि मैंने कहा 31 है, 29 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका भी बहुत बढ़िया है, डिविडेंड का जो इनफैक्ट इनका पे आउट रेशियो बहुत हाई है, 85% एमएनसी है, लाजमी है लोग करते हैं, और 3.5% के लगभग का डिविडेंड यील्ड है, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 15% रही है, और लाजमी अगेन बहुत ही छोटे से डेट से, सिर्फ 73 करोड़ का डेट है जो कि नेग्लिजिबल है। दिसंबर 2021 में 84 करोड़ के पैट के सामने दिसंबर 2022 में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट आया जो कि 97 करोड़ का, सो टीटीएम बेसिस में भी 314 करोड़ कंपनी सालाना कमा रही है। और फिर प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 75% शेयर होल्डिंग के अलावा FIIs DIIs करीब 12% के लगभग होल्ड करती है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग की अगर लिस्ट में जाते हैं तो 4.5% के लगभग एशियन पेंट्स भी इस कंपनी में होल्ड करती है, तो कुल मिला के सिर्फ 9% से भी कम रिटेल शेयर होल्डर्स में है, क्योंकि भाव अगर 2000-1000 इस टाइप के होते तो जनरली रिटेल का इंटरेस्ट कम आता है। बट मेरा ये मानना है कि पी मल्टीपल्स को देखेंगे तो बहुत सस्ता है, बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लीजिए। आने वाले होली तक मुझे लगता है कि ये लाइफ टाइम हाईज भी क्रॉस करेगा, बट अभी के लिए मैंने टारगेट दिया 2490 और 2530।